और रांची में इस वक्त आईएएस पूजा सिंघल को ईडी की टीम ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए लेकर आई है। और यह तस्वीर जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें रांची लाया गया है, ईडी की टीम के द्वारा एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के परिवार और उनके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। इतना होगा ईडी ऑफिस में आज पूछताछ होगी। खान और उद्योग सचिव पूजा सिंघल से आज ईडी पूछताछ करेगी। ईडी दिल्ली के अधिकारी भी रांची में कैंप कर रहे हैं कि कागजात को बारीकी से खंगाला जा रहा है। पिछले शुक्रवार को 5 राज्यों के 25 ठिकानों पर एक साथ ईडी की ओर से छापेमारी की गई थी। बरामद कैश और कागजातों को लेकर पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि इसकी जांच आईएएस पूजा सिंघल तक जरूर पहुंचेगी। अब उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के सीनियर आईएएस और खान विभाग की सचिव पूजा सिंघल से आज पूछताछ करेगी और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ईडी की ओर से पूछताछ के लिए क्षेत्रीय कार्यालय रांची में उपस्थित होने के लिए समन भी भेजा गया था। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से लगातार पूछताछ चल रही है। पूजा सिंघल पर निलंबन की जो तलवार है वो लटक रही है। जिस तरह से ईडी का पूजा सिंघल पर शिकंजा कसता जा रहा है, उसके कारण राज्य सरकार भी इस बात पर इसे लेकर निबंधन की जो कार्रवाई है, निलंबन की कार्रवाई भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान जांच अधिकारियों के हाथ कई अहम सुराग भी लगे हैं। इस दौरान सीए सुमन कुमार के घर से करीब 17.5 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए और इसके अलावा उसके दफ्तर से भी लगभग 30 लाख रुपए मिले थे, जबकि लगभग 1.25 करोड़ की राशि अन्य ठिकानों से बरामद की गई। इस तरह से ईडी ने अब तक इस मामले में 19.31 करोड़ रुपए की बरामदगी की थी। ईडी के अधिकारियों को सीए सुमन कुमार ने पिछले पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक ईडी की ओर से किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी को सुमन ने बताया कि प्रत्येक महीने करीब 30 करोड़ रुपए को वॉइड किया जाता था। साथ ही पूजा सिंघल ने कथित तौर पर अपने निजी खाते से 16,57,000 रुपए सीए सुमन कुमार के खाते में ट्रांसफर किए। खाते में पैसे ट्रांसफर करने का जिक्र ईडी ने कोर्ट में किया था। इसके बाद सीए सुमन कुमार को पूछताछ के लिए 11 मई तक की रिमांड पर भेज दिया है।